जा रहे हैं टूर करने, मतलब मैं आज आपको दिखाऊंगा विलेज का टूर जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, रिकनिकाल जो भी है गांव का नाम मैं डाल दूंगा। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। सो ये है वॉशरूम गाइस, ये है घर जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं एज ऑफ नाउ। तो ये हमारा एरिया है, ये सब वहाँ से पानी की टंकी, ये भी पानी का टंकी है। सो बहुत ही अच्छा है, चलते हैं। और गाइस ठंडी हवा आ रही है, चलो चलते हैं। ये टंकी है गाइस, इसमें से पानी भर रहे हैं, देख लो। मतलब ये पानी गांव के लोग यूज़ करते हैं। तो इस जगह से नीचे जाना है, यहाँ पे नल है ये टंकी का, कम से कम 2000-3000 लीटर रहेगी ये टंकी। तो चलते हैं नीचे। इस तरह से गाइस घर बनते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा पत्थर लगता है जिससे पानी भी नहीं आएगा, इसके ऊपर एक दूसरा पत्थर लगेगा और ये मजबूत रहता है गाइस। ये है गाइस यहाँ का मंदिर, मतलब ऊपर से उतरते ही यहाँ पे मंदिर पड़ता है, गणपति भगवान का मंदिर। तो गाइस मोस्टली घर ऐसे ही होते हैं यहाँ पे। चलते हैं आगे लेके आपको। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, मेरे साथ है हमारा कालू और सूरज और एक गांव का लड़का। तो जाएंगे हम लोग आगे, पूरा व्यू आपको दिखाएंगे, गांव का सैर सपाटा कराएंगे, कैसा है अपना जहाँ पे रुका हो घर। तो गाइस बेसिकली ऐसे ही है हर जगह, सो उसमें कोई डाउट नहीं, बिकॉज कैसा होता है यहाँ का हर एक जगह का अलग अलग वे होता है बनाने का। तो यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर है। चलते गए आगे आपको दिखा। तो मेरे साथ है अभी रोहन जो हम लोग को गांव की सैर करा रहे। रोहन क्या क्या दिखाने वाले है? सब चीज ठीक है, चलो देखते हैं। रोहन का दोस्त भी आया है, क्या नाम है इसका? मेरा भाई। क्या नाम है तेरे भाई का? राहुल। राहुल शर्मा क्यों रहे? तो दोस्तों शर्मा रहे अभी, वो कोई बात नहीं, आगे नहीं शर्माएगा। तो अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे नीचे, वहाँ पे उतरेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा ऐसे रास्ते हैं, मतलब छोटे छोटे रास्ते टाइप्स, ये पहाड़ पे है। चलते हैं फिर दिखाता हूँ आपको आगे। कुछ इस तरह से नज़ारा यहाँ का, हम लोग अभी ऊपर से आ रहे नीचे। सो चलो दिखाता हूँ आपको। सो गाइस वहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, बट अभी कोई नहीं खेल रहा है। क्यों नहीं खेल रहा है यार अभी? तो ये रास्ता है, अभी हम लोग चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे हुए। अभी देखते हैं और क्या है यहाँ पे, दिखाएंगे आपको। तो ये तीन बंदर गाइस घुमा रहे, ये सूरज के दोस्त लोग। तो ऐसा ही है गाइस उत्तराखंड, बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छी अच्छी जगह है। दूर है, अभी उस पहाड़ पे जाके मंदिर है बहुत बड़ी, तो सामने वाले मंदिर में बहुत बड़ी। सो ये हमारा रणबीर कपूर देवी का उत्तराखंड है, उधर बहुत बड़ी। अभी एक सामने जो भी है कि एक सामने कुछ खूबसूरती बोलते हैं, एक सामने दिखते अलग अलग जगह पे होती है। अरे वाह क्या बात बोली। हाँ तो अभी तो हम लोग ढूंढेंगे क्या मिलेगा, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे वरना आज तक कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। सो दोस्तों अभी हम लोग बहुत आगे आ गए, अभी यहाँ पे एक टाकी दिखी हम लोग को, इसके अंदर बोल मतलब ये जो पानी है ना यहाँ पे पहाड़ों से आता है, मतलब जब बारिश होती है तो ग्राउंड में पानी चला जाता है नीचे ज़मीन में, और वो पूरा जमा होके नीचे से पूरा यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे एक टाकी बनाई है, अब देखो यहाँ से पानी आता है, चलो ना, बहुत ही साफ पानी है, इस फिल्टर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको पीना, और बहुत ही मीठा पानी है। मतलब मैं हर जगह पानी पिया हूँ, वहाँ का पानी काफ़ी अलग होता है, लेकिन ये पानी काफ़ी मीठा है, तो आप लोग ये पानी पी सकते हो। चलो आपको आगे कुछ दिखाते हैं और क्या है। तो ये आग लग गई है यहाँ पे, किसी ने आग लगा दिया गैस, और लग रही है आग, बुझ जाएगी अपने आप, वैसे तो कोई टेंशन नहीं है। वो देखो हमारा डॉगी गया है नीचे, ओए आजा आजा आजा। तो चलो चलते हैं आगे, आप लोग को दिखाते हैं। तो दोस्तों ये है आई थिंक चीड़ का झाड़ है, चीड़ का, चीड़ यानी कि आप देखोगे इसकी लकड़ियाँ जो है ना घर बनाने में काम में आती है, और इसमें जो फल उगते हैं गाइस, आई थिंक दिखाता हूँ मैं आपको,
ये देखो ये होता है, इसके अंदर फल होता है, बीज होता है, वो निकाल के खा लिया जाता है। तो वो खा लिया गया है और इसको फिर आप गर्म, जैसे नारियल को कैसे आप गर्म करने में यूज़ कर सकते हो, तो इसमें भी आग लगा सकते हो पानी वगैरह गर्म करने में। तो ये कुछ इस तरह से, तो ये जगह का ऐसी है ना, मतलब जन्नत है, जन्नत, हेवन ऑन अर्थ। अगर आपको विजिट करना है तो ज़रूर आइए एक बार उत्तराखंड, पूरा सुमसाम। तो चलता हूँ मैं आगे, आपको दिखाता हूँ वीडियो भी, अब एडिट करना है, अपलोड करना है, लेट्स गो। तो गाइज ये अलग एक व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको, ऐसा ऐसा वो वहाँ से हम लोग आ रहे, ये ब्लू वाला घर, तो ऐसा है कुछ। चलते हैं आगे दोस्तों, ये भी आई थिंक कैक्टस का क्या है, काय का झाड़ है पता नहीं, कांटेदार झाड़ है, देखते तोड़ के मत कर। गाइज अमेजिंग व्यू ये, इसको देखते हैं आप लोग टीवी पे, मैं अपने रियल आइज से देख रहा हूँ, मतलब रियल, मतलब रियल में मैं फिजिकली प्रेजेंट हूँ यहाँ पे, एक पैनोरामा देता हूँ। वाह, अभी तो फिलहाल बारिश में तो आप देखोगे तो पागल हो जाओगे, बिकॉज बारिश में तो पूरा ग्रीनरी रहता है। इसे जला सकते हो पानी के लिए, ये देख लो गाइस, आपने पिक्चर्स में देखा होगा वो, जैसे ये टेररिस्ट लोग भागते जम्मू कश्मीर में, बढ़िया अपना जम्मू नहीं है, ये अपना है उत्तराखंड। तो मैं उतरूँ नीचे, चल उतरता हूँ नीचे, सूरज नीचे उतरू क्या, क्यों भाई फिसलेगा। तो दोस्तों फिर नीचे नहीं जा रहा हूँ बिकॉज गिरने का डर है। बोल रहा है बहुत स्लोप है, तो जैसे जाएगा वैसे चलते चलते नीचे, तो चलते हैं आगे, अपने को क्या गिरने का नहीं है। तो ये पुल अप है और ये स्टॉप, ग्राउंड है टाइम पास करने के लिए, ग्राउंड खेलने के लिए। चलते हैं आगे दोस्तों, लड़के लोग लेके चल रहे हैं, वहाँ पे जाएंगे। तो दोस्तों ये गएंगे, ये मोनू भाई, मोना मजा आ रहा है कि नहीं आपको। चले क्या नजारा है गाइस, ये अपना शेरू, शेरू चल। घूमते घूमते अभी हम लोग नदी के किनारे, हमारा टारगेट था आने का, तो वहाँ पे नदी है, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। अभी नीचे जाने के लिए बहुत ही टाइम लगेगा, तो हम नहीं जा रहे बिकॉज समवेयर अराउंड 7 बज गए। तो ये हमारा टीम है, दिखो भाई जी पीछे देखो, तू भी देख, रेडी है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं गाइस, क्योंकि अभी 7 बजने वाला है। प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, क्लोज करने जा रहे हैं बिकॉज अभी अंधेरा हो जाएगा, दिखेगा नहीं कुछ। तो चलते हैं यहीं पे क्लोज करते हैं, ये हमारी टीम है, बाय बाय एवरीवन। गाइस ब्लॉग तो मैंने ख़त्म कर दिया था, लेकिन अभी कुछ इस तरह सा मौसम हो गया, मतलब मौसम देख लो, कोई नहीं है गाइस पीछे देख लो, कोई भी नहीं दूर दूर तक, सब लोग भाग रहे बिकॉज अभी ऐसा बोला जा रहा है कि बारिश होने वाली है खतरनाक भाई, देखो बिजली कड़की। और अभी हम लोग कम से कम घर से 8 किलोमीटर दूर है, कुछ साधन नहीं है, साधन मतलब कोई गाड़ी नहीं है, अभी हम लोग चल के जा रहे। टाइम हो रहा है जो है वो है 6:30 बज रहे, मौसम देखो भाई मौसम, कोई नहीं है गाइस, कोई नहीं है इन लोगों के सिवा, देखो कोई भी दिख रहा है आपको पीछे, कोई भी जानवर आ सकता है, जानवर जैसे कि शेर, चीता, चीता बहुत घूमते गए यहाँ पे। वाह मौसम देखो खाली, भागो गए एंडी। गाइस सिर्फ मौसम देखो यार, प्यार हो जाएगा आप लोगों को इस जगह से। तो ये जगह घूमने लायक तक ठीक है गाइस, रहने के लिए भी आप रह सकते हो, लेकिन यहाँ पे फैसिलिटीज थोड़ी कम है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं मिल सकती यहाँ पे,
एक गाड़ी आ रही है गाइस, एक गाड़ी आ रही है, अगर नहीं देगा वो लिफ्ट तो नहीं देगा। देखते दिया तो ठीक गाइस, बहुत ही मस्त मौसम है। तो अभी मतलब हम लोग ने वेट किया था, एक गाड़ी वाला आने वाला था, बट सडनली से टायर पंचर हो गया तो वो नहीं आ पाया। तो हम लोग को अभी 7 किलोमीटर चल के जाना है, मेरा बैटरी भी लो गया है कैमरे का। दोस्तों मैं यहीं पे फिलहाल, मैंने वहाँ पे एंड किया था बट फिलहाल यहीं पे एंड करता हूँ। ये सब हमारे लौंडे लपाटे। फक दोस्तों ऐसा लग रहा है एसी चल रहा है। ओरी फक गाइस, बारिश आने वाली है गाइस, ऐसा लग रहा है एसी चल रहा है, एसी बारिश चालू हो गई है, ठंडा पानी। ये देखो उसकी आवाज़ देखो तुम, ओ ओ बारिश आ गई, बारिश आ गई गाइस। ऊपर से कुछ भी गिर सकता है, बोल नहीं सकते हम लोग, आगरे फटाफट पहले हम लोग खड़े रहे। वो देखो गाइस स्वर्ग, वहाँ से हवा आ रही है और ऐसी मस्त हवा आ रही है ना, एकदम ठंडी ठंडी, जैसे कि एसी भी फेल है गाइस। वाओ सिर्फ देखते रहो गाइस नज़ारा, क्या हवा है यार। उत्तराखंड इसको बोलते हैं देवभूमि। अभी बारिश आने वाली है तो हम लोग फटाफट निकलने का सोच रहे हैं। बाय बाय गाइस, यहीं पे एंड कर रहा हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहता मेरा कैमरा बिक जाए। अभी केदारनाथ का निकलना बाकी है। छील निकालेगा ना उस पे आग पकड़ लेती है, आग जलाने के लिए इसका छील काम आता है। 7 बज गए अभी तक हम लोग पहुंचे नहीं है। अरे पेड़ बहुत पुराना है भाई, बिकॉज सेट है, जगह होगी, यादगार है। बहुत हवा चल रही है और ठंडा ठंडा मौसम है। आग जल रही है मोहित, देख हमारे खेत है। तो घर पहुंचते पहुंचते गाइस बारिश होने लगी बट फाइनली हम लोग घर पहुंच गए। ये मई के महीने में बारिश हो रही है, जहाँ पे हर जगह गर्मी है यहाँ पे बारिश हो रही है। 2 डिग्री यहाँ पे ठंड लग गई, 2-3। ओके बाय बाय, क्लोज करते हैं यहीं पे और इन्जॉय करते हैं बारिश को चाय के साथ। ये खड़े पब्लिक यहाँ पे बारिश से बचने के लिए।